स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। नैब लाहौर का चौधरी परवेज इलाही पर इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम, नौ सफात पर मुश्तमिल तफसीली जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। तफसीलात क्या है आगाह करेंगे मोहम्मद इशफाक जी, मोहम्मद इशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने नैब इंक्वायरियों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, तो अब इस सिलसिले में नैब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया गया है जो कि नौ सफात पर मुश्तमिल है। और इस जवाब में नैब ने लाहौर चौधरी परवेज इलाही पर इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम भी लगा दिया है। नैब जवाब में ये कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही 1988 से 1993 के दरमियान दोबारा वजीर बल्दियात मुकर्रर हुए और इस दौरान चौधरी परवेज इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 29 अफराद को भर्ती करवाया और 16 और ग्रेड 17 में अकाउंट्स ऑफिसर और चीफ ऑफिसर भर्ती करवाए गए। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही के दोनों शरीक मुलजमान वफात पा चुके हैं और चौधरी परवेज इलाही ने नई तकर्रियों पर पाबंदी के बावजूद 29 अफराद को भर्ती करवाया और अब मामले पर। शुक्रिया आपका।